अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफसल। आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दूसरी एप्लीकेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंकजेट प्रिंटर। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पहली एप्लीकेशन डिस्कस की थी, वो थी फोटोकॉपियर मशीन या ज़ेरोग्राफी। तो बच्चों, जो बच्चे हैं मेरी लास्ट वीडियोज़ देखना चाहते हैं, यहाँ मौजूद लिंक पर क्लिक करें, आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी। सेकेंड ईयर की इस चैप्टर के लास्ट पिछले जो चार टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ इंक जेट प्रिंटर। हमारे सिलेबस के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है पहला, इसकी दो एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन है एक्सेरोग्राफी फोटोकॉपियर, जो हमने डिटेल से पढ़ी पहले लेक्चर में, और दूसरी एप्लीकेशन है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। पहले जान लें इंक जेट प्रिंटर है क्या और करता क्या है। बच्चों, इंक जेट प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर मौजूद कोई भी डॉक्यूमेंट जो सॉफ्ट फॉर्म में है, कंप्यूटर के अंदर जो डॉक्यूमेंट मौजूद है उसे सॉफ्ट फॉर्म कहते हैं। वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, तस्वीर, कुछ भी है, उसे हम कमांड देके प्रिंटर के ज़रिए हार्ड फॉर्म में ले सकते हैं। जबकि फोटोकॉपियर में हमें क्या चाहिए था, एक हार्ड फॉर्म में पेज चाहिए था, वो रखते थे, उस जैसे पेजेस हमें मिल जाते थे। लेकिन प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट फॉर्म को हार्ड फॉर्म में बना के दे देता है। सो बच्चों, पहले हम जानते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल जो है, किस प्रिंसिपल के तहत ये इंक जेट प्रिंटर काम करता है। तो बच्चों, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इंक जेट प्रिंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इंक को चार्ज किया जाता है ताकि वो पेपर तक ना पहुंच सके। जो चार्ज इंक होती है उसे गटर में फेंक दिया जाता है। ये सब कुछ कैसे होता है वो डिटेल हम देखेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंक जेट प्रिंटर जो है वो किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है, वो है वर्किंग प्रिंसिपल इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसी तरह फोटोकॉपियर मशीन का भी जो वर्किंग प्रिंसिपल था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। ये MCQ भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अब बात कर लेते हैं इंक जेट प्रिंटर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसके अज्जा क्या क्या हैं। तो देखिए, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला इसका कंपोनेंट है इंक सप्लाई, जहाँ से हमें इंक मिलती है। साथ में डायग्राम फिगर देखते चले जाते हैं, कंपोनेंट्स आपको नज़र आते चले जाएंगे। सो बच्चों, जब भी ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए तो डायग्राम पुट करेंगे, सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल आ जाएगा, कंपोनेंट्स आ जाएंगे, डायग्राम आ जाएगी, या फिर वर्किंग प्रिंसिपल के बाद आप फिगर डाल दें और उसके बाद इसके कंपोनेंट डिस्कस करें, इनकी डिटेल लिखें, क्या क्या काम है, ताकि आपको कंप्लीट मार्क्स, मुकम्मल पूरे, एक भी नंबर ना कटे आपका। और लास्ट पे इसकी वर्किंग लिख दें, हर कंपोनेंट की वर्किंग क्या है और ये कैसे काम करता है। इंक सप्लाई पे क्या बताएंगे, यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर इंक मौजूद है, वो ब्लैक कलर की भी हो सकती है और कलर्ड भी हो सकती है। अगर आपका प्रिंटर ब्लैक डॉक्यूमेंट देता है, इसका मतलब उसके अंदर इंक क्या है, ब्लैक है। दूसरी चीज़ है पंप। पंप क्या करेगा, इस इंक को पंप करेगा, निकालेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, ताकि उसे क्या कर सके, इजेक्ट कर सके, उधर जा सके पेपर की तरफ। फिर है जी प्रिंट हेड। प्रिंट हेड क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है जो पेपर को स्कैन करता है। बच्चों ये फ़र्ज़ कीजिए, ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट है, इसको इसकी सॉफ्ट फॉर्म कंप्यूटर में पड़ी है। सबसे पहले जब मैं कमांड दूंगा प्रिंटर को कि इस पेज की का प्रिंट निकाल दे, सबसे पहले विद इन सेकेंड इस पेज को वो रीड करेगा, स्कैन करेगा, प्रिंट हेड इसके ऊपर मूव करेगा और स्कैन कर लेगा कहाँ कहाँ मुझे इंक डालनी है और कहाँ कहाँ इंक नहीं डालनी। वो प्रिंट हेड है जो स्कैन करता है। अच्छा, अब प्रिंट हेड की एक नोज़ल है जिसमें से इंक इजेक्ट होती है। कौन सी इंक, जो यहाँ मौजूद है, प्रिंट हेड यहाँ पे मौजूद है, जिसने इस पेपर पे को स्कैन कर लिया, जो मैंने जिसकी कमांड दी थी। अब मैंने पेपर रखे हुए हैं प्रिंटर के अंदर, वो पेपर आएगा, उसके ऊपर ये नोज़ल से निकलने वाली स्याही जाके गिरेगी और बिल्कुल उसी जैसा जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, वो तो नहीं बाहर आ गया, उस जैसा सब कुछ लिख के इस पेज को ये पेज बाहर फेंक देगा, बाहर दे देगा हमें। तो देखिए, प्रिंट हेड
जिसकी नोज़ल में से इंक निकलेगी और पंप उस इंक को निकालेगा जब हम प्रिंटर ऑन करेंगे, जब ऑन भी नहीं जब हम कमांड देंगे। फिर जी उसके बाद चार्जिंग कंट्रोल है, यहाँ से चार्जिंग कंट्रोल है, डिटेल से मैं बताता हूँ चार्जिंग कंट्रोल का क्या मतलब है और क्या कैसे काम करता है। फिर चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो इंक को चार्ज करते हैं। उसके बाद है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, ये रही डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो कि बिल्कुल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह हैं, जैसा कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर, दो प्लेट्स बिल्कुल आमने सामने, वो एक कम्बिनेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। बिल्कुल ऐसी ही डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं जो इंक को डिफ्लेक्ट करेंगी, कुछ इंक जाने देंगी, कुछ को गटर में फेंक देंगी। किसको जाने देंगी, किसको गटर में फेंकेंगी, वो हम डिटेल से देखेंगे। फिर जी गटर है, गटर समझ सकते हैं बची कुछ ही जो इंक है जो पेपर तक नहीं पहुंचेगी वो गटर में चली जाएगी, ज़ाया नहीं होगी। दोबारा से गटर का कनेक्शन इस किसके साथ है, सॉरी इस इंक सप्लाई के साथ है, दोबारा से गटर में आने वाली इंक इसके साथ कनेक्टेड है, फिर दोबारा ये यूज़ होती रहेगी। और लास्ट पे पेपर, पेपर जिसके ऊपर प्रिंट होके बाहर आना है। अब मैं आपको समझाता हूँ डिटेल से होता क्या है। बच्चों जब हमने कमांड दी कंप्यूटर से जब हमने कमांड दी कि ये फलां पेज है इसके मुझे प्रिंट देना, बिल्कुल एज इट इज़ मुझे प्रिंट चाहिए, ब्लैक में दे दो इंक क्योंकि ब्लैक है उसके अंदर, मैं चाहता हूँ ब्लैक में दे दो। हालांकि उस पेज के ऊपर कलर थे लेकिन क्योंकि प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट है तो वो ब्लैक एंड वाइट देगा। अब होगा क्या, जैसे ही प्रिंटर को कमांड मिलेगी सबसे पहले प्रिंटर जो है प्रिंट का ये जो उसकी प्रिंट हेड है वो स्कैन कर लेगा उस पेज को, तस्वीर जो भी जिसकी कमांड आपने दी है स्कैन कर लेगा कंप्यूटर के अंदर से ही कि आया कहाँ कहाँ मुझे इंक फेंकनी है और कहाँ कहाँ इंक नहीं फेंकनी। देखिए ज़रा जहाँ अल्फाज लिखे हैं बच्चों यहाँ आके इंक घिरी हुई है और जहाँ वाइट एरियाज हैं यहाँ पे इंक नहीं आई, तो ये प्रिंट हेड ने ये सेंस करना है कहाँ पे मुझे इंक फेंकनी है और कहाँ पे इंक नहीं फेंकनी। अच्छा अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ कंप्यूटर से कि प्रिंट की कमांड दे दी मैंने, यहाँ से अब क्या होगा, इंक सप्लाई पंप इंक करेगा ऊपर फेंकेगा। ये नोज़ल बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों जैसे आपने देखा होगा पानी वाला शावर होता है जिसे कपड़ों को प्रेस अप करते हैं तो पानी फेंकते हैं ना, वो शावर बिल्कुल उस जैसी नोज़ल है जिसमें से पानी की बजाय क्या निकलेगी, इंक निकलेगी। और इंक बड़ी यूनिफॉर्म फॉर्म में निकलेगी, बड़ी यूनिफॉर्म, ज़्यादा कम नहीं है, एक जैसे ड्रॉपलेट्स होंगे और यूनिफॉर्मली निकलेंगे, एक ही स्पीड से जा रहे होंगे, फास्ट लो नहीं होंगे, एक जैसे ड्रॉप्स हैं और छोटे छोटे टाइनी से और एक स्पीड से जाएंगे, तेज़ और स्लो नहीं होंगे, एक जैसी स्पीड होगी। अब देखिए जब ये इंक जा रही है प्रिंटर के ऑन होने पर, जब इंक यहाँ से निकल के जा रही है, आगे लगी हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, इनका कनेक्शन किसके साथ है, चार्जिंग कंट्रोल कहाँ से ऐसे कंप्यूटर के साथ। अब कंप्यूटर जानता है जिस पेज की मैंने कमांड दी है, जिसका प्रिंट लेने की कमांड दी है, वहाँ कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना। अब उसका कनेक्शन अब जानते हैं कि एक वायर हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर के साथ कनेक्ट करते हैं। प्रिंटर को क्या दे दी है कमांड कि भाई यहाँ से वो कमांड देगा कि कहाँ कहाँ इंक जानी चाहिए कहाँ कहाँ नहीं जानी चाहिए। अब ज़रा देखिए जहाँ इंक नहीं भेजनी, ये जो वाइट एरियाज हैं, वाइट एरियाज पे इंक नहीं आई, ये ब्लैक आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रीन ब्लू जो भी है, यहाँ इंक आई है और लफ्ज लिखे हुए हैं, जहाँ इंक नहीं आई बच्चों वहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा कि चार्जिंग इलेक्ट्रॉन ऑन हो जाएं, चार्जिंग इलेक्ट्रॉन ऑन हो जाएंगे। ये सेकंड्स की गेम है, नैनो सेकंड्स में हो रहा है, ये ऑन हो जाएगा और ऑन होने पे इस इंक को क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। जब ये इंक चार्ज हो जाएगी, चार्ज इंक जो है, चार्ज स्याही जब गुजरेगी कहाँ से, डिफ्लेक्टिंग प्लेट से। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या हैं, ऐसी प्लेट जिनमें से चार्ज्ड बॉडी जब गुजरे तो वो उसे सीधा गुजरने नहीं देती, तो जब चार्ज्ड इंक इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से गुजरना चाहेगी तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इसे डिफ्लेक्ट कर देंगी, मोड़ देंगी, बेंड कर देंगी, और बेंड करते हुए ये इंक किस तरफ चली जाएगी, गटर में। इसका मतलब उस जगह पे इंक नहीं पहुंची। लेकिन ये साथ ही ज़रा देखिए, ये वाइट छोटे छोटे एरियाज और साथ ही ब्लैक एरियाज और जहाँ पर स्याही भेजनी है, फ़ौरन से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा चार्जिंग कंट्रोल को कि चार्जिंग बंद कर दो। जब बंद हो जाएगी इंक चार्ज नहीं होगी, जब इंक चार्ज नहीं होगी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उस अनचार्ज इंक पे कोई मसला नहीं करेंगे, कोई इशू नहीं करेंगे, वो अनचार्ज जो इंक है उसका ड्रॉपलेट सीधा गुजर जाएगा और जाके कहाँ छप जाएगा, पेज के ऊपर।
इसका मतलब जब जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो कि कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल हो रहा है, जिसे कमांड मैंने कंप्यूटर के जरिए दी है, वो ऑन होगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होने से इंक चार्ज हो जाएगी और इंक के चार्ज पार्टिकल्स जब डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरना चाहेंगे तो सारे किस तरफ जाना शुरू कर देंगे, गटर के अंदर, गटर के अंदर जाना शुरू हो गया तो फिर पेपर पे क्या छपेगा, पेपर पे ये ब्लैक स्याही कहाँ से आएगी। इसका मतलब जब जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन है तो ये वाइट एरियाज आएंगे पेपर के ऊपर, वाइट, क्योंकि स्याही तो सारी पेपर पे पहुंचने की बजाय कहाँ जा रही है, गटर के अंदर जा रही है। तो फिर पेपर के ऊपर स्याही कब पहुंचेगी, जब स्याही फेंकनी होगी, क्योंकि उसने पहले स्कैन किया था पेज को, तो उसने स्कैन किया कि मुझे यहाँ वाइट, यहाँ इंक नहीं भेजनी, यहाँ भेजनी है, तो यहाँ जब इंक आनी है तो इसका मतलब इस जगह पर जब ये नोज़ल आएगी, प्रिंट हेड आएगा, तो वो क्या करेगा, इसको कहेगा भाई चार्जिंग कंट्रोल बंद कर दो, इंक चार्ज होना बंद हो जाएगी। जब चार्ज होना बंद हो जाएगी, नैनो सेकंड्स के अंदर वो अनचार्ज पार्टिकल्स जब डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरेंगे वो बेंड नहीं होंगे, वो गटर में नहीं जाएंगे बल्कि वो सीधे चले जाएंगे। इसका मतलब वो जगह जहाँ पे पार्टिकल्स इंक के स्याही के वो चार्ज नहीं हुए, वहाँ पे अल्फाज लिखना शुरू कर देगा ये। और बिल्कुल अगर आपने इस पेज की कमांड दी होगी, बिल्कुल ऐसा ही पेज निकलेगा। अगर आपका प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक में आएगा, वाइट एरियाज वाइट रहेंगे, ब्लैक एरियाज ब्लैक रहेंगे। वाइट एरियाज किस वजह से हैं, क्योंकि उस वक्त डिफ्लेक्टिंग प्लेट ऑन है, उसने स्याही आने नहीं दी, तो यहाँ स्याही नहीं है। और जब ये जो ब्लैक एरियाज हैं ये क्यों हैं, क्योंकि इस वक्त डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन हो गए, स्याही चार्ज हो गई, सॉरी अनचार्ज हो गई, और उस वजह से यहाँ से डिफ्लेक्टिंग प्लेट से अनचार्ज इंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सीधी आ गई, तो इन जगहों पे अल्फाज लिखे गए और इन जगहों पे खाली रहा। ये है बच्चों प्रोसेस, ये सारी वर्किंग आप डिटेल से लिख देंगे। सबसे पहले इंक सप्लाई ऑन, इंक सप्लाई कैसे ऑन होगी, पंप उसको उठाएगा, यहाँ से सारी स्याही भरी हुई है, पंप इसे नोजल से इजेक्ट करेगा, यूनिफॉर्म छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे इंक के ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, टाइनी से यूनिफॉर्मली निकलेंगे एक ही रफ्तार से। जब वो यहाँ से गुजर रहे होंगे, यहाँ से कंप्यूटर के साथ कंट्रोल है, कंप्यूटर ने क्योंकि पूरे सफ़े को स्कैन कर लिया हुआ है, वो जानता है कब इसे ऑन करना है, कब इसे ऑफ़ करना है। जब ये ऑन हो गया तो इंक चार्ज होना शुरू हो जाएगी, चार्ज इंक जब डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरेगी तो गटर में जाना शुरू कर देगी, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स चार्ज इंक को जाने नहीं देंगी। और जब लिखना होगा जिन जिन एरियाज पे स्याही चाहिए, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इसके ज़रिए होती रहेंगी, और यहाँ पे स्याही पहुँचती रहेगी, नहीं पहुँचेगी, पहुँचती रहेगी, नहीं पहुँचेगी, ये सारा प्रोसेस आप लिख देंगे वर्किंग के अंदर। ये है पूरा टॉपिक इंक जेट प्रिंटर, इस तरह से आपने पुट करना है जब लॉन्ग क्वेश्चन आए, वर्किंग प्रिंसिपल, कंपोनेंट्स, फिगर, एक्सप्लेनेशन में वर्किंग आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बच्चों इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे अगले टॉपिक के साथ।